नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। समस्त उपस्थित शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण, मेरे साथ आए हमारे हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जी, परिषद के वित्त सचिव श्री अनोखी राम वर्मा जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे कार्यक्रम के सदस्य हैं, और मोबाइल कंपनी चौहान जी जो भारतीय एयरटेल समक्ष हैं, श्री रविंद्र मोहन जी समक्ष हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मन बुद्धि और ज्ञान की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती जी के जन्म में नमन करता हूँ। सद बुद्धि प्रदान करने वाली देवी माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मैं माँ से कामना करता हूँ। या देवी सर्वदेशु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमतस्य 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 नमो नमः। आज यहाँ पर भारतीय दूरसंचार दुनिया में प्राधिकरण, जिसे ट्राई भी कहते हैं, नई दिल्ली के निर्देशानुसार और सहभागिता से हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जागरूकता कार्यक्रम आप सभी के भागीदारी से आयोजित किया जा रहा है। मैं भारतीय दूरसंचार की नियामक प्राधिकरण और हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ओर से आप सभी को इस कार्यक्रम देश के उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से लेकर पंजीक सहकारी सभाएं अधिनियम 1958 में की गई। हमारी परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। वर्ष 1998 से परिषद प्रदेश में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उन अधिकारों को हासिल करने के लिए उपलब्ध कानून व्यवस्थाओं तथा अन्य सुविधाओं आदि के बारे जानकारी देकर उन्हें उनको जागरूकता पैदा करने के महत्वपूर्ण दायित्व कुशलतापूर्वक निभा रही है। उपभोक्ता को जानकारी देने के लिए हम प्रदेश भर में विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यतः ग्रामीण व दूरदराज राज्य में उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम करते आ रहे हैं। प्रदेश के हर गांव व शहर के नागरिकों को जागरूक व सतर्क उपभोक्ता बनाने का हमारा लक्ष्य है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन 1997 में किया गया। ट्राई का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उन्हें सशक्त बनाना है। इस प्रयास की दिशा में ट्राई द्वारा समय समय पर उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नियम, निर्देश और आदेश जारी किए जाते हैं। इसकी उपभोक्ताओं की जानकारी देने के लिए देश के हर राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं से समय समय पर सुझाव और कंसल्टेशन पेपर जारी कर उपभोक्ताओं की राय मांगी जाती है। ट्राई के मिशन उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा निश्चित करना है। इस कार्यक्रम में हम आपको मुख्यतः ट्राई के निर्देशानुसार दूरसंचार और ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं और साइबर क्राइम विषय पर जानकारी देंगे, और मैं आप लोगों की दूरसंचार से संबंधित समस्याओं को भी सुनेंगे और उनका
समाधान का दर्शन प्रतिन करेंगे। मैं अब निवेदन करता हूँ परिषद के उपाध्यक्ष श्री रणजीत सिंह धीमान जी से, वाइन और दूरसंचार ब्रॉडकास्टिंग के संबंधित विषयों पर प्रेजेंटेशन दें श्री रणजीत सिंह धीमान जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। आदरणीय श्री एसपी गेंटा जी, ग्रुप इंस्ट्रक्टर तथा अदर इंस्ट्रक्टर्स आईडीआई शिमला, श्री जोगिंदर कंवर जी, चेयरमैन हिमाचल बोर्ड सेक्शन परिषद, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे परिषद के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री अनोखी राम वर्मा जी, परिषद के वित्त सचिव तथा प्यारे बच्चों, मैं आप सबका हिमाचल उपभोक्ता शिक्षण परिषद द्वारा भारत सरकार के उपक्रम ट्राई के सौजन्य से आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता होना एक आसान काम नहीं है, लेकिन एक उपभोक्ता होने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज बाजारों का विश्वव्यापीकरण हो रहा है और उपभोक्ताओं के सामने उत्पादों तथा सेवाओं के तरह तरह के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं, जिस कारण खरीद करने का निर्णय लेना अधिक कठिन होता जा रहा है। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता मौजूदा समय में एक अहम विषय बन गया है। यह पूरे विश्व में एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। वास्तव में उपभोक्ताओं के बीच एकता की कमी और अज्ञान के कारण उनका अक्सर शोषण किया जाता है। शिक्षित और अच्छी जानकारी रखने वाले उपभोक्ता किसी भी समाज में बहुमूल्य होते हैं। आज डिजिटल इंडिया का जमाना है और हम अपनी समस्या का हल तुरंत गूगल कर खोजने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है। कोविड-19 महामारी का समय हम भूले नहीं हैं, जिसने हर सेक्टर को प्रभावित किया, वहीं हमारी शिक्षा प्रणाली भी अछूती नहीं रही। हमारे शिक्षा संस्थान बंद हो गए और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई गई, जिससे जहां शिक्षा जगत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया, जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए नई चुनौतियां लाया, क्योंकि जहां हमें काफी सुविधाएं मिली उसके साथ ही इसके उपयोग में बड़ी सावधानी रखे जाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जरा सी लापरवाही होने पर लाखों का नुकसान हो सकता है और हम अपने खून पसीने की कमाई गुआ बैठते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। सरकार समय समय पर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती रहती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 लागू किया था, परंतु समय के अनुसार उसमें भी बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई, जिसे देखते हुए सरकार ने वर्ष 2019 में, जो हमारे देश में 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। इस अधिनियम को पुराने अधिनियम से अधिक प्रभावी बनाया गया है और इसका दायरा भी काफी बड़ा कर दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमें मुख्यतः जो अधिकार देता है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है राइट टू इन्फॉर्म, सेकेंड है राइट टू चूज, थर्ड है राइट टू हियर, फोर्थ है राइट टू सेफ्टी, और फिफ्थ है राइट टू रिट्रेक्स, और सिक्स्थ है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन जो हमारा राइट है, आज उसी के अंतर्गत हम ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, और क्योंकि ये सेमिनार आज ट्राई के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको ट्राई से संबंधित कुछ जो हमारे हितों में जो ट्राई द्वारा पग उठाए गए हैं उसके बारे में छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहूंगा।
बेनिफिट। दूरसंचार संबंधी कुछ आंकड़े, भारत की कुल जनसंख्या 340 करोड़, 118 करोड़, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 89 करोड़, ओवरऑल टेली डेंसिटी 85%, जो कि शहरी क्षेत्र में 134% है और ग्रामीण क्षेत्र में 58% है। ट्राई द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति एक माह में 955 मिनट और कहीं 15 घंटे टेलीफोन का उपयोग करता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति प्रति माह 15.8 GB डाटा का उपयोग प्रति माह कर रहा है और 13.46 SMS भेजे जा रहे हैं। Why are we here today? To be aware about our rights as a consumer of the telecom services, to provide feedback regarding issues being faced us, to understand the telecom sector, to know about Telecom Regulatory Authority of India and the work that it is doing, to get to know us, the CAG who are conducting this program. Next, a small introduction to TRAI. Prior to 1997, Department of Telecommunications of Government of India is looking after the all functions relating to the telecommunications and broadcasting sector. TRAI was set up in 1997 when private sector entered in telecommunication sector. TRAI regulates the telecommunications and broadcasting sector. Broadcasting sector was included in 2004. TRAI attempts to ensure free and fair environment for growth of telecommunication sector with consumer interest in mind. TRAI issues directions, regulations and orders to telecom service providers. TRAI makes recommendations to government for enacting law in telecommunication sector. Next. How does TRAI work? TRAI is a statutory body created by TRAI Act of 1997 when private sector enter in telecommunication sector. TRAI head office is located at Delhi and it has 5 regional offices at Bangalore, Bhopal, Hyderabad, Jaipur and Kolkata. TRAI works through a process called consultation paper. Before sending recommendation to Government of India, Department of Telecommunication for making law in telecommunication sector, TRAI issue consultation paper for giving suggestions by all stakeholders like telecom service providers and consumers of telecommunication sector. What is a CAG? Full form of CAG is Consumer Advocacy Group. NGOs which are working in the field of protection of consumer interest and highlighting consumer causes are registered by TRAI as CAG from all the states of India. At present, about 84 NGOs are registered with the TRAI as CAG from all over India. CAG work for the interest and education of telecommunication consumers in association with TRAI. From Himachal Pradesh, Himachal Bhokta Section Pichar is the only NGO registered with TRAI as Consumer Advocacy Group.
best method of spreading awareness and educating the consumer. Next. Important consumer-friendly measures of track. First, mobile number portability. If you are unhappy with your mobile company and for other reasons, you have option of mobile number portability. For using this facility, you have to send SMS port mobile number to 1900 and you will receive porting code which is valid for 3 days and you may port your mobile number with another telecom service provider whose services are better in your area. Up to May 2024, 985.60 million consumers have availed mobile number portability. Next. Mobile number portability process is very simple. After receiving porting code, you have choice to port your mobile number to another TSP to which you like to port your mobile number within 3 days from the receiving of porting code. There is short video for educating you about the about using the mobile number portability. सर्विस प्रोवाइडर से परेशान? एमएम भी है समाधान। अपना वही नंबर रखते हुए सर्विस प्रोवाइडर बदलने का ये आसान तरीका है। अब यूनिक पोर्टिंग कोड के समय ही पता चल जाता है आपका नंबर एमएमबी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। पोर्टिंग का समय भी घटा दिया गया है। हर स्टेज पर आपको पोर्टिंग का स्टेटस भी SMS से सूचित किया जाएगा और आप पोर्टिंग रिक्वेस्ट को आसानी से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, 1900 पे SMS करें, मोबाइल नंबर पोर्ट करें। एमएमबी को आसान बनाया ट्राई ने फिर कर दिखाया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनरेट में जारी। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर कंप्लेंट लेटर। ट्राई Act does not envisage handling of individual complaints by TRAI. However, TRAI has prescribed complaint handling mechanism by service provider. TRAI made mandatory to all telecom service providers to create a two-tier mechanism for redressal of consumer complaints. One, call center, and second, Authority. Time limit fixed by TRAI for redressing the consumer complaint by the telecom service provider. First, call center, toll-free number 198 for all TSPs where a consumer can lodge his complaint. Call center has to redress the complaint within 3 days or the time period informed through SMS to the complainant. Nodal officer, if the complainant is not satisfied with the redressal of his complaint at the RF level at the service provider website and also on TRAI web portal under the caption consumer. Appellate authority. There also, if the nodal officer does not resolve the grievance satisfactorily, we can appeal to the appellate authority of the service provider on a prescribed form which can be obtained free of charge from the offices of the service provider, sales outlet and also on website of TSP and TRAI. The appellate appeal has to be filed within 30 days of disposal of complaint by nodal officer. The appeal should be disposed of within 39 days by the appellate authority. At present, in our state, all
अपने सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करती? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने कई कदम टेलीकॉम उपभोक्ताओं के फायदे को ध्यान में रखकर उठाए हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को यह आदेश दिया गया है कि वो दो श्रेणी वाले फ्रेमवर्क के अंतर्गत कॉल सेंटर बनाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक एपेलेट अथॉरिटी। पहली श्रेणी, अगर आपकी टेलीकॉम सेवा से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत ईमेल के द्वारा या खुद जाकर या उनके टोल फ्री नंबर 198 के जरिए दर्ज कर सकते हैं। शिकायत केंद्र हफ्ते के सभी दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उपभोक्ताओं के लिए खुले रहेंगे। सभी शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उन्हें एक मेल डॉकेट नंबर दिया जाएगा। शिकायत केंद्र के लिए यह जरूरी होगा कि वो शिकायत दर्ज किए जाने की तारीख व समय के साथ उसे सुलझाए जाने की समय रेखा में छूट दें। इस तरह टेलीफोन कनेक्शन की शेटिंग भी 3 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। जहाँ समय सीमा तय न की गई हो वहाँ शिकायत का समाधान 3 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। समाधान होने के बाद औपचारिक तौर पर शिकायत पत्र दी जाए और उपभोक्ता को SMS द्वारा इसकी सूचना दी जाए। दूसरी श्रेणी, यदि उपभोक्ता अपनी शिकायत कारण असंतुष्ट है या उनकी शिकायत पर कोई दर्ज की गई शिकायत की सीमा के अंदर नहीं दी गई है तो वो एपेलेट अथॉरिटी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए ईमेल या पोस्ट या टोल फ्री नंबर 198 पर कॉल के द्वारा 30 दिनों के अंदर संपर्क कर सकता है। अपील फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। अपील के निपटारे की समय सीमा 39 दिन निश्चित की गई है। शिकायतकर्ता अपने सर्विस प्रोवाइडर की वेब बेस्ड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकता है। ट्राई के अधिनियम 1997 के अनुसार ट्राई के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों का निवारण अनिवार्य नहीं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Some more mobile app well provided by for consumer feedback. First, try my car app. Consumer can directly give his or feedback on voice call quality to try lodge complaints against receipt of unwanted calls, SMS from telemarketer with bank, builder, insurer, etc. and check status of their complaint using this app. These apps can be easily downloaded from consumer Play Store. There is short video to use the app. और या जाए प्रस्तुत करते हैं नए उपभोक्ता कॉल क्वालिटी को रेट कर सके। पेश है ट्राई माय कॉल। जैसे ही आपकी कॉल पूरी होती है आपकी स्क्रीन पर एक विंडो नजर आती है। आप अपने अनुभव से 1 से 5 तक कोई भी रेटिंग दे सकते हैं। अगर आप 5 स्टार की रेटिंग देते हैं तो ऐप आपसे केवल इतना पूछता है कि आप अंदर हैं या बाहर या यात्रा कर रहे हैं। अगर आपकी रेटिंग 4 स्टार से नीचे है तो आपसे और जानकारी ली जाती है ताकि आपकी असंतुष्टि का कारण पता चले। आपके द्वारा भेजे गए फीडबैक को मैप बेस्ड डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। ट्राई समय समय पर फीडबैक लेकर विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंसेस का देश भर में पता लगाता है। ट्राई माई कॉल इस्तेमाल करें और अपने अनुभव साझा करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। मेरा नया वीडियो देखा? बताना अगर कुछ बदलाव करना हो तो। ओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत है। क्या हुआ? लगता है कि सही स्पीड नहीं मिल रही। तो तुम ट्राई माई स्पीड ऐप से इंटरनेट स्पीड क्यों नहीं चेक करती? वो क्या है? ट्राई माई स्पीड ऐप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पहल है जिसके इस्तेमाल से उपभोक्ता सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई इंटरनेट की स्पीड को जान सकते हैं। ये ऐप डेटा स्पीड अनुभव को मापने और परिणाम ट्राई को भेजने में सहायक। बहुत अच्छा, ये मुझे कहाँ मिलेगा? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और अगर आप iOS यूजर हैं तो iOS ऐप स्टोर और मोबाइल सेवा स्टोर पर उपलब्ध है। ये ऐप बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन इस ऐप को यूज कैसे करें? ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले इसे डाउनलोड और फिर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को खोलें और बिगिन टेस्ट बटन पर क्लिक करें जो नीचे की तरफ है। और फिर ये ऐप कुछ ही सेकंड्स में ये बता देता है कि आप उस समय कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अपने स्मार्टफोन पर यूज कर रहे हैं।
चाहे माई स्पीड ऐप आपके ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा की स्पीड का पता लगा सकता है। ये ऐप और क्या कर सकता है? ये ऐप आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड के साथ साथ कवरेज का भी पता लगा सकता है। ऐप के नीचे दिए गए दूसरे बटन पर क्लिक करने पर आपके द्वारा किए गए सभी स्पीड टेस्ट की जानकारी मिलती है। अरे वाह, इस ऐप से मैं अपनी इंटरनेट स्पीड का पता लगा सकती हूँ। एंड्रॉइड में ये ऐप बैकग्राउंड में चलते हुए आपकी डेटा स्पीड का पता कर ट्राई को भेजता है। ये ऐप कवरेज, डेटा स्पीड और नेटवर्क की अन्य जानकारियों के अलावा डिवाइस पर किसी जगह ट्राई द्वारा टेस्टिंग हुई है इसका पता भेजता है। ये ऐप किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी नहीं भेजता, सभी परिणाम अज्ञात रखे जाते हैं। ट्राई को टेस्ट के परिणाम भेजने में बहुत कम डेटा लगता है। स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट ट्राई को भेजना शिकायत दर्ज करना नहीं होता। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जा रही स्पीड ट्राई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, analytics.trai.gov.in। इस वेबसाइट के इंटरैक्टिव पोर्टल से आप देश भर के उपभोक्ताओं का मोबाइल डेटा से जुड़ा अनुभव जान सकते हैं। ये अलग अलग स्तर ऑपरेटर स्पीड की तुलना कई तरह की टेक्नोलॉजीज जैसे 3G 4G पर भी दिखाता है। आप देश की किसी भी जगह की डेटा स्पीड देख सकते हैं। आप अपनी लोकेशन टाइप करें और उस क्षेत्र में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी स्पीड आपकी स्क्रीन पर होगी। पहले 3 ऑपरेटर्स की पूरी तुलना के साथ जानकारी यहाँ दी जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया तो ये एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया था, कॉल करने के लिए। फोन का विकास होता गया कई और खूबियों को शामिल करते हुए क्योंकि हम ऐसा चाहते थे। आज हम फोन को कॉल करने के अलावा कई और तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन्स ने एक नई पीढ़ी के सेलफोन्स की शुरुआत की जो अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके समय की बहुत बचत होगी। स्मार्टफोन्स मिनी कंप्यूटर्स की ही तरह हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप डेस्कटॉप का ज्यादातर काम फोन पर ही कर लेते हैं। स्मार्टफोन्स हमें हर जगह अपडेटेड रखते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। आजकल डेटा ही सब कुछ है। कई बार स्मार्टफोन्स आपके डेटा का इस्तेमाल करते हैं जब बैकग्राउंड में एप्स एक्टिव रह जाते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्ट यूजर बनना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में चल रहे एप्स को बंद करें। स्मार्टफोन्स में एक फीचर है जिससे एप्स अपडेट होते रहते हैं। जब आप वाईफाई जोन में होते हैं तब आप वीडियो ऑटो प्ले को बंद कर सकते हैं ताकि वीडियोस अपने आप ना चलें और आपका डेटा बर्बाद ना हो। ध्यान रहे, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तब मोबाइल डेटा को बंद रखें और बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल रोमिंग में डेटा इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। जब आप सोशल नेटवर्किंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी जरूर जांचें ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। स्मार्टफोन के जरिए आप ट्राई को अपनी कॉल गुणवत्ता और डेटा अपलोड या डाउनलोड स्पीड के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सब से ओवरऑल क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस में सुधार लाया जा सकता है। ट्राई के DND 2.0 ऐप के इस्तेमाल से आप अनचाहे कमर्शियल कॉल से बच सकते हैं। स्मार्टफोन है तो स्मार्ट यूजर बनिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। आपके पास एक या दोनों नंबरों को रजिस्टर करने की सुविधा है।
ये ऐप TNT की प्रेफरेंसेस भी रजिस्टर करता है और अलग अलग तरह के अनचाहे कमर्शियल कॉल्स और SMS को ब्लॉक करता है। आप एक या सभी टेलीमार्केटिंग सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद भी आपको अनचाहे कमर्शियल कॉल्स और SMS आ रहे हैं तो ये ऐप आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास अपनी शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा देता है। आप ऐसे अनचाहे कॉल्स और SMS के खिलाफ की गई शिकायत का स्टेटस और उन पर की जाने वाली कार्रवाई का भी पता कर सकते हैं। इस ऐप में SMS के लिए इंटेलिजेंट स्पैम डिटेक्शन इंजन है जो अनचाहे SMS की रिपोर्ट करने में सहायक है। ऐप सुझाव देगा कि आपके द्वारा प्राप्त कोई अज्ञात SMS या कॉल शायद स्पैम है। उपभोक्ता फोन पर आई हुई कॉल व SMS स्पैम है या नहीं ये खुद भी बता सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी संदेह के लिए FAQ पर जा सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ट्राइगेट DND 2.0 ऐप का इस्तेमाल करें और अनचाहे कमर्शियल कॉल्स व SMS की परेशानी को दूर करें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। सम नंबर्स टू रिमेंबर 1900 मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 1909 फॉर डू नॉट डिस्टर्ब 1925 फॉर डेटा सर्विसेज 155223 फॉर वैल्यूएटेड सर्विसेज 198 फॉर कंज्यूमर केयर और कॉल सेंटर। टावर फ्रॉड्स बीवेयर ऑफ टावर फ्रॉड्स ट्राई एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव lot of complaints from every corner of the country. Fraud companies promising high rent for setting up of tower BTS vanish after taking money in the name of government fee and taxes. They produce fake no reaction certificates issued by the TRAI Department of Telecommunication. TRAI and Department of Telecommunication has no role directly indirectly in installation of mobile towers. And they never issue any NOC in this job. There is short video. Can we see? Hey Ravi, zara ye ad dekho. Bahut hi badhiya hai. Keh rahe hain कंपनी को जमीन या छत की जरूरत है जहां वो मोबाइल टावर लगवाएंगे। मासिक किराया 70,000 रुपए 25 लाख एडवांस 20 साल का एग्रीमेंट 1 आदमी के लिए 15,000 की नौकरी 1 सिम जिसमें लाइफ टाइम आउटगोइंग फ्री होगी। अमित ऐसे गुमराह करने वाले ऐड से धोखा मत खाना। पर ये तो सिर्फ 6,000 रुपए फीस मांग रहे हैं। यही तो उनके पैंतरे हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ कि पढ़े लिखे लोग कैसे ठगे जाते हैं। क्या सचमुच देश के अलग अलग कोनों से मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई। ये धोखेबाज प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं और निर्दोष लोगों को किराए की मोटी रकम और अन्य लाभों का वादा करके फंसाते हैं। ये लोगों को शुरू में छोटी रकम अपने निजी या कंपनी खाते में जमा करने के लिए कहते हैं जो मोबाइल टावर लगाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर होता है। ऐसे धोखेबाज कई बार मोबाइल टावर लगाने के लिए झूठे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाते हैं जो कि जाली कंपनियों या सरकारी संस्थानों या डिपार्टमेंट या ट्राई के होते हैं। किसी न किसी बहाने अच्छी खासी रकम की जालसाजी करने के बाद ये धोखेबाज गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट फोरम्स ऐसे फ्रॉड की शिकायतों से भरे पड़े। बहुत लोग इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार हुए। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस किसी भी तरह से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन में शामिल नहीं है। इस काम के लिए ट्राई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस किसी भी तरह का NOC या अनुमति पत्र जारी नहीं करता। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति टावर की वास्तविक स्थापना से पहले किसी भी रूप में अग्रिम राशि या आवेदन शुल्क या धन की मांग कर रहा है तो सावधान रहें और कंपनी के प्रमाण पत्र सत्यापित करें। धोखाधड़ी से सावधान रहें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।
थैंक्स, रिमेन कनेक्टेड विद अस थ्रू आप सबका धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन को शांतिपूर्वक देखने के लिए। अब मैं परिषद के चेयरमैन श्री जुगिंदर काम जी से अनुरोध करूंगा कि साइबर क्राइम पर आपको गाइड करें। मैं आपको आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं साइबर क्राइम, उसके बारे में जानकारी दूंगा और उससे कैसे बचाव होता है और कैसे वो करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। भारत में कोरोना महामारी के बाद डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। फल सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ बिना कैश पेमेंट के आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल होती इस दुनिया में ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि अब ना बैंक की लंबी लाइन में लगना है और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। घर बैठे एक रुपये से लेकर लाखों तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन महज एक क्लिक पर हो जाता है। लेकिन यही डिजिटल दुनिया हमारे लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। हमारे देश में वर्ष 2023 में लगभग 85 लाख उपकरणों पर 40 करोड़ से भी अधिक साइबर हमले हुए हैं, यानी हर मिनट में 761 साइबर हमले हुए हैं। इनमें से 50% से अधिक मीडिया और नेटवर्क ड्राइव से जुड़े हैं। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 25% हमले ईमेल और वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के कारण होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे फर्जी ऐप को लाखों उपयोगकर्ताओं की ओर से डाउनलोड किया गया है, जिनके जरिए डिवाइस में सेंध लगाई जाती हैं। इनमें स्पाइलोन ऐप्स, हिडन ऐप्स और अन्य ऐप शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टोजैकिंग के जरिए एक वर्ष में लगभग 52 लाख से अधिक लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के माने तो देश में होने वाले साइबर क्राइम की कुल घटनाओं में 45% घटनाओं की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बैठकर अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध का ग्राफ काफ़ी बड़ा है। प्रतिदिन साइबर अपराध को 200 से 250 ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर क्राइम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर साइबर अपराध के शिकार लोग शिकायत कर रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक हाल ही में प्राप्त अधिकांश शिकायतें लोन ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, डेटिंग ऐप्स, फर्जी डेटिंग ऐप्स, इन्वेस्टमेंट ऐप्स और सेक्स ट्रांसफर के जरिए फ्रॉड से जुड़ी हुई हैं। इस तरह भारत में लोग ऑनलाइन पेमेंट्स और इंटरनेट का इस्तेमाल तो खूब कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। यही वजह है कि लालच में आकर लोग ऐसे प्रतियां को डाउनलोड कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि चंद दिनों में साइबर ठगी लोगों के अकाउंट से 750 करोड़ रुपये उड़ा लिए गए हैं। लोगों को साइबर ठग अपने जान में फंसाने
एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो है लोगों को आसानी से पैसे बनाने के लालच देना। आमतौर पर इन कारणों की वजह से लोग ठगी का शिकार बनते हैं, जैसे कि किसी ऐप या फाइल को डाउनलोड करके मोटी कमाई का लालच देना, लॉटरी या गेम्स खेल के आसानी से पैसा कमाने का झांसा देना, महंगे सामानों पर भारी डिस्काउंट दिखाकर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहना, सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने का लोगों को सपना दिखाना, क्रेडिट कार्ड या लोन देने के नाम पर लोगों से पर्सनल जानकारी लेना, सगे संबंधी या दोस्त बनकर OTP या बैंक डिटेल पूछना, घर बैठे नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसा जमा कराना, साइबर ठगी के मामलों से बचने के लिए जानकारी और जागरूकता ही बचाव है। साइबर ठगों से बच रहा हो तो ध्यान रखें कि अगर जरूरी ना हो तो किसी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल ना करें। ऑनलाइन मनी इन्वेस्टमेंट करते समय ऐप या वेबसाइट के बारे में क्रॉस चेक जरूर करें। कर्ज देने वाले ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसा अधिकांश ऐप्स फर्जी होते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप्स इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें, इनकी विश्वसनीयता चेक करें। किसी अनजान नंबर पर OTP या कोई निजी जानकारी शेयर ना करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर आने वाले किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते समय डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें। किसी थर्ड पार्टी साइट या लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। यदि आपके पास यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड संख्या, OTP पिन आदि को अप टू डेट या स्थापित करने संबंधी कोई ईमेल, मैसेज और कॉल आए तो कभी भी इनका उत्तर ना दें। यदि आपने अनजाने में अपनी प्रमाणिकता उजागर कर दी है तो तत्काल अपने पासवर्ड पिन बदल दें। कैशबैक, आकर्षक रिटर्न और ट्रुथ बॉम्ब नौकरी का ऑफर या पैसे का अनुरोध वाले अज्ञात लिंक क्लिक ना करें। ऐसे किसी भी धोखाधड़ी वाले मैसेज से सावधान रहें जो आपका मोबाइल डाटा मैसेज से साथ मोबाइल डाटा का फायदा लेने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें। OTP और किसी अन्य गोपनीय वित्तीय जानकारी को चुराने के लिए धोखाबाज आपके डिवाइस को भी रख कर सकते हैं। मोबाइल कंपनियां 5G सेवाओं के सक्षम करने के लिए सिम या को अपग्रेड करने के लिए OTP या पिन नहीं मांगती है। साथ ही 5G सेवा में अपग्रेड करने के नाम पर संदिग्ध लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी वाले ऑफर से सावधान रहें। कई गुना धन वापसी प्राप्त करने के वायदा से सावधान रहें। ऐसे भ्रामक योजनाओं से निवेश करने से बचें जो गारंटीकृत लाभ के साथ दिन प्रतिदिन आपकी धनराशि से बढ़ोतरी का दावा करती है। कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न वाले निवेश से ऐसे किसी भी निवेश के बारे में संदेह करें जिसमें कम या जीरो जोखिम के साथ उच्च रिटर्न का दावा करते हैं। यदि ये सही भी है प्रत्येक हो तो भी उसमें संदेह करें। निवेश से पहले दो बार सोचें। साइबर धोखेबाज आपकी गाड़ी कमाई को चुराने के लिए जाली प्लेटफॉर्म और भारत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। वैसा भ्रामक प्रस्ताव के साथ आपको फोन, ईमेल, सोशल मीडिया या नेटवर्क द्वारा संपर्क करते हैं। बहुत से ऐसे ऐप हैं जो सस्ता लोन देते हैं, लोगों को आसानी से अपने ठगी का शिकार बना रहे हैं।
पिछले दो तीन सालों से लोन एक विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। ये लोन ए बिना किसी फॉर्मेलिटी के कम ब्याज पर लोन लेने का ऑफर देते हैं। साइबर अपराधी ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें लोन का बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और जो बैंक जाने से बचना चाहते हैं। ये गैर कानूनी ऐप लोन देने से पहले आपसे अपने ऐप को डाउनलोड करवाते हैं और ऐप का डाउनलोड होने के बाद इस पर रजिस्ट्रेशन करवाने को कहते हैं। इस दौरान भी ये ऐप प्रक्रिया के आगे बढ़ने देते हैं। शुरू में ये थोड़ा थोड़ा पैसा देकर मोबाइल उपयोग करता झांसी और लालच में लाते हैं और फिर भारी ब्याज लोन लेने वाले व्यक्ति पर डाल देते हैं। इस तरीके से ये ऐप आपके मोबाइल से आपके बैंक खाते डिटेल या कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुँच जाते हैं और इसकी चोरी कर लेते हैं। एक बार लोन देने के बाद उनकी रिकवरी एजेंट का होते चलिए लोन लेने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल धारक को उसकी असली तस्वीर बदले हुए रूप में भेजते हैं और उसके मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजने की धमकी देते हैं, जिससे लोन लेने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव और पैसे की धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। अतः किसी भी लोन लेने के लिए किसी भी मैसेज या स्पैम लिंक पर क्लिक ना करें। बहुत से दुकानदार रिटेलिंग और शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने के 50 बार सामान का कैश फ्लो लेते समय कैश काउंटर पर कैश फ्लो बनाने वाला आप सबके नाम का उपयोग कर रहे हैं और फिर उस खाते में आपके मित्रों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपके दोस्त सोचते हैं कि ये आप हैं, संप्रदाय से जुड़े अन्य किसी प्रकार के मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही वे आपके दोस्तों से पैसे की मांग भी कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करें, हड़बड़ी में ऐसा कदम ना उठाएं। अगर लड़का और रिश्तेदार उनकी हिरासत में हैं तो कहें कि उनसे बात कराएं। अगर ऐसे कोई फ़ोन आए तो उठाए नहीं, बार बार कॉल आने पर पुलिस को सूचित करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान किसी भी तरह के बैंक संबंधित जानकारी साझा करना आपको मुश्किल से डाल सकता है। ऐसा ही मामला यहाँ शिमला में सामने आया है, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर सामान ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर नंबर जानने के लिए ऐप डाउनलोड करने पर एक निजी स्कूल की महिला शिक्षक के साथ 182,881 रुपये का ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर सामान ऑर्डर किया था। सामान का ऑर्डर नंबर जानने के लिए उन्होंने कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर दिया। यहीं से महिला साइबर ठगों के चुंगल में फंस गई। कस्टमर केयर नंबर पर छात्रों ने महिला को एक रिमोट ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। इसी बीच महिला शिक्षक ने स्क्रीन शेयर की ऑप्शन को ऑन कर दिया, जिससे साइबर ठग उनके फोन की स्क्रीन को देखने में सक्षम हो गए। इसके बाद उन्हें झांसे में लेकर साथी ने अकाउंट्स की डिटेल और ओटीपी डालने के लिए कहा। ऐसे करते ही महिला के बैंक खाते से 182,881 रुपये की राशि निकल गई। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कभी भी रिमोट एप्लीकेशन को डाउन करने से बचें। और किसी अनजान मोबाइल अब मैं इससे पहले सुरेंद्र शर्मा जी को जो आपको उपभोक्ता संरक्षण